हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट ग्रीन स्किल्स। ओके, इन दिस चैप्टर आई डिस्कस अबाउट एनवायरनमेंट। ओके, इन एनवायरनमेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन डिटेल। आफ्टर एक्सप्लेनिंग वी शुड सॉल्व योर एक्सरसाइज। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आज जो आपकी चैप्टर है ग्रीन स्किल्स, तो उसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और उससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप अच्छे से जो एक्सरसाइज है इसकी सॉल्व करना, पूरे वीडियो अंत तक देखना और उसको बार बार आप देखना, और जब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए वीडियो तो उसको आप पॉज करके फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ओके, और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको आपकी प्रॉब्लम को तुरंत इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, आपके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए और जब कई बार वॉच कर लेना, अंडरस्टैंड हो जाए तो आप वीडियो को पॉज करके फेयर कॉपी पे नोट डाउन करा लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपका दे रखा है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। ओके, तो वो सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है उसको क्या कहते हैं, उसको एनवायरमेंट कहते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है। तो आप सब लोग जानते होंगे हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है सराउंडिंग्स में वो सब एनवायरमेंट है, ओके, पर्यावरण। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स कॉमा प्लांट्स कॉमा एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं जिनमें भी जीवन होता है उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट में दो ही तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। तो बायोटिक वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें लिविंग, जिनमें जीव होता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो सभी जीव जिनमें जीवन होता है वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, और बाकी जो निर्जीव जीव हैं, निर्जीव जिनमें जी नहीं होता, जैसे टेबल, फैन, कंक्रीट, ये सब आपका अबायोटिक कंपोनेंट है। ओके, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, लैंड कॉमा वाटर कॉमा सॉयल कॉमा एयर एंड सनलाइट आर द डैश डैश कंपोनेंट्स। तो ये आपका सनलाइट, सोल, एयर, वाटर, लैंड, ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें फिल किया जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंड डैश डैश इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। तो एन इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इकोसिस्टम आपका ऐसा फंक्शनल यूनिट है नेचर का जहाँ पे जो जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट्स ग्रास लैंड्स एंड डिजर्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश इकोसिस्टम। तो आपका जो फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड डिजर्ट्स, ये एग्जाम्पल आपके हैं टेरेस्ट्रियल के, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश डैश रिफर्स टू एनी चेंज और डिस्टर्बेंस टू द इन्वायरमेंट परसीव्ड टू बी डिलीटरियस और अनडिजायरेबल। तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो आपका जो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो रिफर्स करता है एनी चेंज और डिस्टर्बेंस टू द इन्वायरमेंट परसीव्ड टू बी डिलीटरियस और अनडिजायरेबल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज टर्म्ड एज। तो पेड़ों की जो कटाई होती है लार्ज स्केल पे तो उसको क्या कहा जाता है, उसको डिफॉरेस्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
डीफॉरेस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज टर्म्ड एज, बहुत मात्रा में पेड़ों को लगाना हाई स्केल पे, तो इसको बोलते हैं फॉरेस्टेशन। ठीक है, जंगल लगाना है इसको, जंगल, ठीक है, पेड़ लगाना, और यही ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई हाई स्केल पे होती है तो उसको डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करना, और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन, तो फिर आप वीडियो को पॉज करके फिर कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फोर आर्स मीन्स, तो जो चार आर हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनका क्या मीनिंग है। तो पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है, ये चार आर हैं जो इन्वायरमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, a --, इकोनॉमी इज लो कार्बन, रिसोर्स इफिशियंट एंड सोशियली इंक्लूसिव। तो ये आपका है डेफिनेशन, अ ग्रीन इकोनॉमी इज लो कार्बन, रिसोर्स इफिशियंट एंड सोशियली इंक्लूसिव। ओके, तो आपकी जो ग्रीन इकोनॉमी होती है उसमें कार्बन, लो कार्बन होता है, रिसोर्स इफिशियंट होते हैं एंड सोशियली इंक्लूसिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ --, गैसेस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो अमाउंट है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का काजेज होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका एक्सेस लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग को। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन फिलिंदी ब्लैंक से प्रकार के थे, तो इनको आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपके ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग हैं। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर इन एन इकोसिस्टम। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये ट्रू है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे टी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ मेजर काज ऑफ, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन रह रहा है, प्लांट्स डू नॉट हेल्प मेंटेन द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, प्लांट ऑब्वियसली इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ मेजर काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रीन इकोनॉमी कैन हेल्प रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ग्रीन इकोनॉमी आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेन हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीफॉरेस्टेशन कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, रीयूज मीन्स टू यूज समथिंग अगेन दैट यू वुड नॉर्मली थ्रो अवे। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोल एंड पेट्रोलियम आर रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपका फॉल्स है, कोल एंड पेट्रोलियम आपके रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी
कोल एंड पेट्रोलियम नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है, और इसमें कहा जा रहा कि वो हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ओके करेक्ट है। तो आपके ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस रहे। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको हैं, इनको अच्छे से वॉच करना, उसके बाद वीडियो को पॉज डाउन करके उसके बाद आप फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ऑप्शन आपका दे रखा है ए ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है H2, सी ऑप्शन है CO2 और डी ऑप्शन है N2, तो आपका करेक्ट आंसर है वो है CO2, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो प्लांट्स और एनिमल्स आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो पहला आपका है नेचुरल रिसोर्सेस, बी ऑप्शन है आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, और तीसरा ऑप्शन है मिनरल्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है नेचुरल रिसोर्सेस, तो प्लांट्स और एनिमल आपके नेचुरल रिसोर्सेस के एग्जाम्पल हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज टर्म्ड एज, तो पहला ऑप्शन है रिफॉरेस्ट्रेशन, बी ऑप्शन है डिफॉरेस्ट्रेशन, सी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग और डी ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेन हार्वेस्टिंग इज अ मैथड ऑफ, पहला ऑप्शन है सोयल कंजर्वेशन, बी ऑप्शन है एयर कंजर्वेशन, सी ऑप्शन है वाटर कंजर्वेशन और डी ऑप्शन है प्लांट कंजर्वेशन, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सोयल कंजर्वेशन, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लांट्स टेक इन डैश डैश गैस दैट हेल्प्स रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, तो आपका ऑप्शन दे रखा है NH3, बी ऑप्शन है H2, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है NO2, तो प्लांट्स टेक्स इन, तो CO2 गैस प्लांट लेते हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो आपने ये क्वेश्चन देखा प्लांट्स टेक्स इन डैश डैश गैस दैट हेल्प्स रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें आप लोगों को पता होगा कि CO2 गैस कंज्यूम की जाती है, ठीक है, तो प्लांट्स आपके CO2 गैस कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग के लिविंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बिना इसके ह्यूमन जीवित नहीं रह सकता। तो जो पेड़ पौधे हैं वो प्राण वायु हमें ऑक्सीजन के रूप में देते हैं, ठीक है, और CO2 जो पोल्यूशन की एक काजेज है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट वी शुड अडॉप्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, तो पहला ए ऑप्शन दे रखा है वाइट इकोनॉमी, बी ऑप्शन है ब्लैक इकोनॉमी, सी ऑप्शन है रेड इकोनॉमी और डी ऑप्शन है ग्रीन इकोनॉमी, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन सही है ग्रीन इकोनॉमी, मीन्स हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचे, तो ऐसा इस प्रकार का कोई इकोनॉमी ग्रोथ का प्रोजेक्ट नहीं बनाना जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता हो, ठीक है, टोटली इन्वायरमेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचा रहा हो वही काम करना है, उसी से इकोनॉमी को इनक्रीज करना है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, तो इनमें से कौन नेचुरल रिसोर्स नहीं है, पहला ऑप्शन है कोल, दूसरा ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है सोल, ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पहला ऑप्शन है कोल, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है सनलाइट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो आपका करेक्ट आंसर है वो है सनलाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो आपका पहला ऑप्शन है इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बी ऑप्शन है सेव इकोसिस्टम, थर्ड ऑप्शन है एनर्जी इफिशियंट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, ऑल द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन सही है, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से सभी सही है, यानी इन्वायरमेंट ग्रीन इकोनॉमी का फीचर इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, सेव इकोसिस्टम भी है, एनर्जी इफिशियंट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश डैश एवरी ईयर। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 5 जून, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5 जुलाई, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5 अगस्त और डी ऑप्शन दे रखा है 5 सितंबर। तो आपका 5 जून को इन्वायरमेंटल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा आपकी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये वीडियो आप अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सबको शेयर कर देना, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास होती है तो बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से वो क्लास में कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स की क्लास में नियर अबाउट 10 or 12 स्टूडेंट ज्वाइन कर पाते हैं क्लास, तो उनका लॉस ना हो तो इस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो ये वीडियो आप उनको शेयर जरूर कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और उनको भी करवाना बोल देना, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस हैं, जितना भी कंटेंट है, जितना भी मैट ई कंटेंट है, जितना भी रिलायबल आपके पास मेरे पास कंटेंट है, वो मैं सब चैनल पे डाल रखा हूँ, वो आपको एक्सेसिबल हो, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, आप अच्छे से उसको गेन कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी वीडियो जो हैं वीडियोस वो सब आप एक्सेस कर सको और अपना नॉलेज अच्छे से गेन कर सको। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी एक्सरसाइज मैंने कराई उन सबकी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेना, ओके। और अगर कोई आप परेशानी फेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को शेयर कीजिए या मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।